जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने राज्यव्यापी टोल फ्री नंबर 1533 का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 1533 टोल फ्री नंबर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में डायल करने पर नगर निगम के कंट्रोल रूम में फोन लगेगा, जहां पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यदि कंट्रोल रूम में किसी के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है तो शिकायतकर्ता की कॉल अपने आप सीधे लखनऊ से कंट्रोल रूम में ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कंट्रोल रूम में 5 कंप्यूटर के साथ साथ 2 BSNL के नंबर भी लगाए गए हैं। इनके साथ और कर भी लगाए गए हैं ताकि 5 कंप्यूटर पर कार्यरत रहें तथा जो भी शिकायत आती है वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज हो जाएगी और एक निश्चित अवधि के भीतर गुणवत्ता के साथ उसका समाधान किया जाएगा। इस महीने के अंदर कंट्रोल रूम को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा ताकि गोरखपुर की जनता को सुविधा मिल सके। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकर रमेश रघुवंशी सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, पहली बार नगर विकास विभाग में नगर निगमों से या नगर निकायों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत है। बड़ी मुश्किल से भारत सरकार से 4 digit का हमको नंबर मिला। 2 महीने पहले हमने अपने प्रयासों से लिया था, वो लोग 4 digit नहीं दे रहे, 15 digit हुई होगी, 5 digit ही मिलता है। तो डीप डिपोजिट के अंतर्गत ये 1533 सेवा चलेगी। आप सबसे विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप नगर निगमों में जो आई डिपोजिट की व्यवस्था है उसी में डीप डिपोजिट को भी समाहित करते हुए 1533 की व्यवस्था बनाइए। 2-3 टेलीफोन लाइनें आपकी 24 घंटे चलनी चाहिए नगर निगमों में, विशेष रूप से 24 घंटे मेरा आग्रह पूर्ण किए। और किसी भी नागरिक की इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई व्यक्ति अगर आपके उस क्षेत्र से फोन करता है 1533 पे तो वो कॉल जो है आपके ही कंट्रोल रूम में जा करके रेंट करेगी। तो जाता है एक फॉर्मर के साथ आप 1533 बताइए, ये आपकी व्यवस्था है। कोई जेके शर्मा की या मुफ्ती की या डायरेक्टर लोकल बॉडीज की या नगर विकास विभाग की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी व्यवस्था है। आप जनता से जुड़े, जनता नगर भाई बैठेंगे, आपकी शिकायतें सुनेंगे। किसी को शौक नहीं है कि नगरी से निकल करके लखनऊ आओ, किसी को शौक नहीं है कि बढ़िया से निकल करके बेचारा सुबह 4 बजे चल करके आए थे पहले। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कंट्रोल रूम में तो आपको आवाज मिल रही है, आप सभी लोगों को आवाज मिल रही है मेरी, जो हम लोगों ने
एक बहुत ही नई और ऐतिहासिक पहल हम लोग करने जा रहे हैं। आपने टोल फ्री नंबर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, कुछ वर्षों पहले 3 डिजिट के टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, मिलते थे। उसके बाद जब वो सीरीज पूरी हुई तो अब 4 डिजिट के कुछ साल पहले तक मिलते थे, अब वो 4 डिजिट की पूरी हो गई है, अब 5 डिजिट के टोल फ्री नंबर भारत सरकार का टेलीफोन डिपार्टमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट देने लगा है। लेकिन मैं 2 महीने पहले मंत्री बनने के बाद भारत सरकार में टेलीकॉम सेक्रेटरी से मैंने निवेदन किया कि कहीं पूछिएगा कि कोई आपका 4 डिजिट का फी नंबर बड़ा हो तो हमको दे रही है। तो उन्होंने मेहरबानी करके हमको 1533 नंबर एलान कर दिया था। बहुत मुझे खुशी है कि 1533 नंबर हमारे नगर विकास विभाग की सभी नगर निगमों सभी नगर निकायों अभी हम 75 जिलों में और अपने सभी नगर निगमों में हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उनको सभी नगर पालिकाओं में सभी नगर पंचायतों में भी ले जाएंगे। तो आज इस सेवा की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सेवा का के मुख्य जो अंश है वो ये है कि एक तो 1533 नंबर 4 डिजिट का है, याद करने में आसान है, इसलिए जनता के लिए बड़ा सुलभ और आसान रहेगा, ये सोच करके हमने लिया था। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने जिले में से अपने नगर निकाय के क्षेत्र में से अगर फोन करता है तो उसकी फोन की जो कॉल है वो उसी नगर निगम के कंट्रोल रूम में जा करके देनी होगी और वो नगर निगम जो है उसे अपेक्षित है कि उस कॉल पे और सिंगा भाई के उसके पास अपेक्षित होगा करेगा। अगर वहाँ स्थानीय स्तर पे वो कॉल उठाई नहीं गई तो ऑटोमेटिकली वो कॉल जो है वो यहाँ हमारे यहाँ इस वो यहाँ और इस तरह की 1912 हमारे मेरे विभाग में चलता है, 10 रुपए महिला शिकायत थी 1533 पे, तो उसको आसानी से हम लोग उस शिकायत को दर्ज कर पाएंगे, उसमें जो भी करना होगा आवश्यक कार्रवाई कर पाएंगे। तो इस भावना के साथ ये सेवा आज हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं, ये हमारी सेवा नहीं है, ये मित्रों आप सब समर्पित कर रहे हैं। उसके जो कुछ प्रमुख भाग है वो मैं खाली आपके ध्यान में रहे इसलिए मैं बताना चाहूंगा। मैंने जैसा कहा कि एक तो ये आसान सा नंबर है, सबको आसानी से याद हो जाएगा, लैंड होगी ये हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है। और हमारा जो कंट्रोल रूम है अभी हमने शुरुआत में सुबह 5 बजे से रात को आगे कम से कम नगर निगम आपका वैसे भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में 24 घंटे की भी सेवा अपेक्षित थी, लेकिन कहीं चलता था कहीं नहीं चलता था। सर पूरी तरह से सर रेडी हो गया है सर, हमने सर अपने कंट्रोल रूम में सर 5 कंप्यूटर और 2 लैंडलाइन सर BSNL का सर वर्क कर रहे हैं सर, और हमने सर 8 ऑपरेटर की ड्यूटी लगा दिया है सर, और हमने अभी चेक कर लिया है सर, अभी मैं दिखाना भी चाहूंगा सर कि हमारे पास हाँ जो 15 टैग सर मैं दिखा रहा हूँ सर, सर सर मैं ये घंटी बज रही है सर, आप देख रहे हैं घंटी सर आवाज आ रही होगी सर? हाँ ठीक है, मान लिया तो आप लोग इसको इसको अच्छे से चलाइए। गोरखपुर के मेयर साहब भी बैठे हैं। थैंक यू गोरखपुर सर। तो एक नगर विकास विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन के क्रम में जो एक शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों को सुनकर उसकी उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ उनका समाधान करने के परिप्रेक्ष्य में ही जो शहरों में साफ सफाई सीवर पेयजल स्ट्रीट लाइट आदि जो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई शिकायतें होती हैं इनके समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर 1533 का शुभारंभ माननीय मंत्री जी नगर विकास के कर कमलों के द्वारा किया गया है।
इस नंबर पर आने वाली जो कॉल हैं वो संबंधित जिलों के निकायों में सीधे सीधे इसको ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और एक तय समय के भीतर इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ये समस्याएं जो आएंगी, अभी हम लोगों ने इसको अपने यहाँ चेक भी किया और अभी माननीय मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो गोरखपुर का सिस्टम था उसको उन्होंने देखा भी। हमने अपने कंट्रोल रूम में 5 कंप्यूटर के साथ साथ 2 BSNL के हमारे पास से नंबर हैं जो कि वर्क कर रहे हैं और इस पर हमने 8 जो है वर्कर लगाए हुए हैं जो कि अपने 5 कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लगातार। इसके साथ ही साथ कहीं से कोई भी जो भी शिकायत आएगी वो शिकायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज हो जाएगी और एक निश्चित अवधि के भीतर उसका उचित गुणवत्ता के साथ जो है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और अगर तयशुदा समय के भीतर कहीं से भी डिले होता है अगर या उस समय के भीतर नहीं पूरा हो पाता है तो तत्काल उसके आपके पास जो है फिर से रिमाइंडर आ जाएगा कि तत्काल इसका आप समाधान करें और समाधान करके अवगत कराएं। तो निश्चित रूप से एक जो शिकायतों के उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ समाधान की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है और यह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले इसी महीने के भीतर ही इस कंट्रोल रूम को हम पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन कर दें और जिससे कि यह आम गोरखपुर की जो आवाम है, गोरखपुर शहर की जो जनता है, उसको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदे होंगे।